छह माह से हितग्राहियों को सेल्समैन ने नहीं बांटा है राशन। ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर की कार्यवाही की मांग। खबर पुलिस थाना बैराड़ क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खकरे से है, जहां पर आज शाम बैराड़ थाना पहुंचकर समस्त ग्रामीणों ने पुलिस से कंट्रोल संचालन कर रहे सेल्समैन के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। एक सैकड़ा ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन अवतार यादव द्वारा छह माह से खाद्यान्न वितरण नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते गरीब आदिवासी राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के यहां भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद फूड इंस्पेक्टर के द्वारा सेल्समैन को समझाइश भी दी गई कि ग्रामीणों का खाद्यान्न वितरण किया जाए। लेकिन आज जब ग्रामीण राशन लेने दुकान पर पहुंचे तो सेल्समैन द्वारा अभद्रता कर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई, जिससे करीब एक सैकड़ा गुस्साए ग्रामीणों ने बैराड़ थाना पहुंचकर सेल्समैन के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? क्या मामला है? थाने पे कैसे आए आज? थाने पैसे आए थे, कल बोल रही थे कल गेहूँ ले जाइयो, कल आई थे जनता। हाँ। और आज तो गाली मार रहा है। कौन? अवतार। अवतार कौन है ये? अवतार कंट्रोल चलाता है ये? कंट्रोल भाई बांटता हूँ भाई, गाली तो मार रहे हैं। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप तो जे चाह रहे हैं कि कंट्रोल में ले भी आते तो गाली मारते मनते मातो अंत कंट्रोल जाएंगे ले। हाँ हाँ, तो किसी दिन ज्यादा में खड़ा हो जाओ तो मान समरा गया मारेंगे। रहने वाले हैं? सड़क रहने वाले। कहाँ का जो मामला है, कैसे आए थाने पे? ऐसे आए साहब, थाने पे छह महीने से गया हूँ, गेरदा वाले का नाम नहीं मिला। अच्छा। वो सड़ वाले को नहीं मिला। जाते हैं तुझे गाली के लोचे करते हैं, माँ बहनों ने गाली बोलते हैं, उन बोलते हैं। कौन? ये यादव साहब अवतार जी हैं, उनके भाई हैं, वो का नाम उनका जी, उनकी सूची बोलते हैं। हम माना गेहूँ नहीं मिला आज, राशन नहीं दिया। राशन नहीं दिया। आप लोग क्या चाहते हैं? अरे हमारा राशन मिलना चाहिए, और क्या चाहते हैं? तो इसकी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत की जी कलेक्टर के गए सुबह, आज की बोली, आज बोली बोली आते हमें माना नहीं करते साहब। कलेक्टर साहब क्या कहते हैं मामले में? कलेक्टर साहब नौकरी को बट जाएगा आपका, और ये नहीं सुना तो फिर दोबारा आना। अभी तक आपका राशन नहीं बटा? नहीं बटा। आपके यहाँ कल फूड इंस्पेक्टर आए थे, उन्होंने क्या बोला? उसने आज की बोला, सुबह आज नहीं बटा। फूड इंस्पेक्टर की नहीं मानी उन्होंने? हाँ, इसलिए नहीं मानता। तो कितने महीनों से नहीं मिला तुम्हें खाद्यान्न? उनको छह महीने से मिले बैरदा वाले को, तीन महीना से हमें नहीं मिला था। आप आगे हम सड़क हैं, छह महीने से बिल्कुल खाद्यान्न नहीं मिला? हाँ, बिल्कुल नहीं मिला साहब। ग्राम पंचायत क्या करेगी हमारी, दोनों गांव जुड़ते हैं। हमारा माल या तो हमारे आदिवासी मोहल्ला हमें बटे, और बिरदा का बिरदा के मोहल्ला हमें बटना चाहिए। क्या करे यादवों को नहीं जाना चाहिए साहब, क्योंकि मैं मारोगे हम ना, गरीब आदमी है साहब, हमारी कोई सुनता नहीं है। मैं सड़क का रहने वाला हूँ सर। क्या कुछ मामला आप थाने पे कैसे आए? थाने पे ऐसा आना हुआ सर, ये लोग मुझे माल के चक्कर में लाए कि अपना माल आ रहा है, माल लदवा दे रामनिवास होटल में ला के मेरे को जान से मारने की धमकी दी है। बोली ये दो दिन में आपको मैं चैटिन पे चुका दूंगा। तो मैंने आकर पुलिस स्टेशन में खबर की है सर। तो किस बात को लेकर मारपीट की धमकी दी? ये कह रहा है कि तू इनका सबका लीडर है, इन आदिवासियों का तू मार दिया तो कहानी खत्म हो जाएगी, इसलिए मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं ये लोग। कोई बात तो होगी? बात यही है कि मैं सबसे आगे बोलता हूँ और कोई बात नहीं है, और मैं आगे नहीं बोलूँ तो कोई नहीं बोलता है इतने लोगों में से। तो आपको धमकी किसके द्वारा दी जा रही है? इसके द्वारा, अवतार यादव ने मेरे को धमकी दी है, इसके द्वारा दी है कि तू कलेक्टर तक इन लोगों को ले गया, सात महीने से हमारा राशन नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सात महीने के विवाद को लेकर कलेक्टर तक पहुँचा। इसकी आपने और कहीं कंप्लेंट की है क्या? इसकी और सर हमने कहीं कंप्लेंट नहीं की, हम कलेक्टर तक गए, फूड साहब हमारी वहाँ पर आए थे कल, उन्होंने कही कि कल राशन नहीं मिले तो हम इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, और ये लोग हम वहाँ मुकदमे पर पहुँचे हैं तो ये लोग सभी लोगों से गाली दे रहे हैं, और मेरे से तो पहले ही दी लेकिन ये लोग इनसे भी गाली दे रहे हैं, इसलिए ये भी लोग मेरा साथ देने के लिए बैराड़ तक परेशान हुए हैं सर।